बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन बोले, ना तो शिवपुरी और ना ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए कांग्रेस कोई चुनौती है। शिवपुरी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार की शाम 92 कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने हाई प्रोफाइल माने जाने वाले शिवपुरी विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक देवेंद्र जैन को मैदान में उतारा है। देवेंद्र जैन वर्ष 1993 में से शिवपुरी से, तो वर्ष 2008 में कोलार से बीजेपी विधायक रह चुके हैं। जैन ने वर्ष 1993 में शिवपुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सांवल दास गुप्ता को हरा कर विधायक की कुर्सी हासिल की थी और यहीं से उनका राजनीतिक जीवन का सफर शुरू हुआ। इसके बाद वे बीजेपी संगठन में विभिन्न पदों पर रहे। इस बार फिर से बीजेपी ने पूर्व विधायक देवेंद्र जैन को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के कदावर नेता पिछोड़ से 6 बार के विधायक केपी सिंह कंगाजू से है। हालांकि देवेंद्र जैन ने फास्ट समाचार की टीम से बात करते हुए कहा कि ना तो शिवपुरी में और ना ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए कांग्रेस कोई चुनौती है। उन्होंने कहा कि वह विकास, शांति और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी कीमत पर शिवपुरी में अराजकता को पनपने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश की राजनीतिक भूचाल मचाने वाली शिवपुरी विधानसभा की बात करने आए हैं। भाजपा से लगातार पिछले 15 सालों से विधायक रही यहां से मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। ये सीट उनकी परंपरागत सीट कही जाती थी, सिंधिया परिवार की परंपरागत सीट कही जाती थी। लगातार यहां से यशोधरा सिंधिया विधायक थी, लेकिन जब से एक यू टर्न आया, गुड बाय शिवपुरी कह के वे यहां से गई और अपनी सीट को अपनी स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने ना लड़ने का निर्णय लिया, तब से लगातार एक द्वंद्व चला आ रहा था कि इस सीट से किस प्रत्याशी को उतारा जाए, क्योंकि किसी प्रत्याशी की इतनी परंपरागत तैयारी नहीं थी, क्योंकि ये परंपरागत सीट थी। लगातार सिंधिया परिवार इस सीट से लड़ता आ रहा था, तो लेकिन ये सीट भी पिछले अगर बात की जाए उससे पहले, तो उस कार्यकाल में आप ही के द्वारा छोड़ी गई थी, उसके बाद से लगातार यशोधरा सिंधिया जी यहां से विधायक थी, मंत्री रही। क्या लगता है आपका क्या रोल मॉडल रहेगा अब आगे आने वाले शिवपुरी को लेकर, नए शिवपुरी को लेकर, नए शिवपुरी के विकास को लेकर? शिवपुरी क्षेत्र के विकास और यहाँ की जनता जनार्दन के लिए जो परेशानी है, और उसमें मुख्य रूप से पेयजल की, यहाँ के बहुत सारी बस्तियों में ठीक से पानी की सप्लाई नहीं हो पाती, लगातार पाइपलाइन का टूटना जारी रहता है, और उससे फलस्वरूप शिवपुरी की जनता को बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री, इस क्षेत्र की एक छत्र नेता श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी के प्रयत्नों से उस पाइपलाइन को बदलने का काम भी प्रारंभ है। पूरी की पूरी नई पाइपलाइन डालने की स्वीकृति, उसके लिए फंड का आवंटन शिवपुरी की जनता के लिए श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी ने करवाया। कहीं ना कहीं शिवपुरी की लगातार जब से पिछोड़ से केपी सिंह को शिवपुरी से ला दिया गया है, एक शिवपुरी की सीट चैलेंज के रूप में देखी जा रही थी, क्या ऐसा कोई चैलेंज है आपको लगता है? कांग्रेस का चैलेंज मैं तो कभी स्वीकार नहीं करता कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कोई हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में बैठी हुई शिवराज जी की सरकार ने गरीब जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए इतनी अनगिनत योजनाएं किसानों के लिए प्रारंभ की हैं कि उन योजनाओं के फलस्वरूप जितनी धनराशि उस व्यक्ति के परिवार को मिलती है, आधा खर्च तो उस परिवार का हमारी मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र की सरकार की योजनाओं से चला जाता है। जो नगद के रूप में उसके अकाउंट में, कोई बिचौलिया नहीं, व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं। एक जमाना था दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार में, उस जमाने में मैं शिवपुरी से विधायक हुआ करता था, जनपदें टीचरों की नियुक्ति करती थी, पूरे शिवपुरी जिले की सभी जनपदों ने शिक्षकों की भर्ती की, बेसाब भ्रष्टाचार किया, जिला पंचायत के अध्यक्ष
आदरणीय राम सिंह जी यादव उस जमाने में हुआ करते थे। मैं विधायक के साथ शिवपुरी जनपद मैंने मेरे अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बनाई थी। एकमात्र जिले में जनपद थी जिसमें 218 शिक्षकों की भर्ती की और एक भी व्यक्ति जो आरोप नहीं लगा पाया कि शिवपुरी जनपद में कोई भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जी कहते थे कि देवेंद्र जैन तुमने मध्य प्रदेश में नाम कमाया है। मध्य प्रदेश में लगातार आप फास्ट समाचार के माध्यम से आपको आज टिकट मिला है, आपको मुबारकबाद उस चीज की। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आपका स्वप्न है शिवपुरी को लेकर, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? शिवपुरी क्षेत्र के विकास के लिए, शिवपुरी क्षेत्र की जनता की शांति और सुरक्षा और अराजकता शिवपुरी जिले में या शिवपुरी नगर में ना फैलने पाए, इस सब बात के लिए जनता को, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को शिवपुरी की नगर की जनता आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये थे हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी की आज आई सूची के शिवपुरी जिले के, शिवपुरी विधानसभा के प्रत्याशी देवेंद्र जैन ने। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी सरकार की गिनाई और कांग्रेस को किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए नहीं नजर आए। मैं अजय राज सक्सेना, शिवपुरी।